நடராஜன் மந்திர், சிதம்பரம், தமிழ்நாடு. ஓம் நம சிவாய. த்ரிநேத்ருரூபம் ஹே த்ரிசூலதாரம் போலே சங்கரம் देवादि देव भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजने वाले उपासकों के लिए तमिलनाडु में चिदंबरम स्थित नटराजन मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है. ओम नमो नमः शिवाय. 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 मान्यता है कि कैलाशपति शिव ने इस पवित्र स्थान को अपनी शक्तियों द्वारा उपकृत किया है, जिनका सृजन भी उन्होंने यही किया है. संकट पड़ी जो भक्तों पे तुम तीन लोक को दिए हिलाए, दिए हिलाए. संकट पड़ी जो भक्तों पे तुम तीन लोक को दिए हिलाए. पूजा जप जप दास तुम्हारे, पूजा जप जप दास तुम्हारे. ओम नमो नम नम शिवाय. 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 पुराणों के मुताबिक भगवान शिव यहाँ प्रणव मंत्र ओम के आकार में विराजमान हैं. यही वजह है कि आराधक इसे बड़ा शुभ मानते हैं. नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. नमः शिवाय. चिदंबरम भगवान शिव के पांच क्षेत्रों में से एक है. इसे शिव का आकाश क्षेत्र भी कहा जाता है. अन्य चार क्षेत्रों में कालाहस्ती आंध्र प्रदेश अर्थात वायु, कांचीपुरम यानी पृथ्वी, तिरुवनिका जल और अरुणाचलेश्वर तिरुवनामलाई अर्थात अग्नि शामिल हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार इन्हीं पंच तत्वों पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से मानव शरीर का निर्माण हुआ है. नटराज मंदिर को अग्नि मूल के नाम से भी जाना जाता है. कई उपासक मानते हैं कि भोलेनाथ यहां ज्योति रूप में प्रकट हुए थे. मंदिर के केंद्र और अम्बलम के सामने भगवान शिव पार्वती जी के साथ स्थापित हैं. मंदिर की संरचना अपने आप में आकर्षक और विशिष्ट है. चार सुंदर और विशाल गुंबदों ने संपूर्ण मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान किया है. मंदिर की आंतरिक साजसज्जा, सुंदर शिल्पकारी और इसका व्यापक क्षेत्रफल इस मंदिर को अनन्य रूप देते हैं. Thank you.
ऐसा माना जाता है कि मनुष्यों का एक पूर्ण वर्ष देवताओं की मात्र एक दिन के बराबर होता है। यही कारण है कि जिस प्रकार मंदिर के पवित्र गर्भगृह में दिन में 6 बार पूजा की जाती है, उसी प्रकार प्रमुख देवता भगवान नटराजन के लिए वर्ष में 6 बार अभिषेक का आयोजन किया जाता है। इन्हें मर्गजय तिरुवाधिराय दिसंबर से जनवरी पहली पूजा के प्रतीक के रूप में, मासी माह फरवरी से मार्च, नए चंद्रमा के 14 दिन चतुर्दशी दूसरी पूजा के प्रतीक के रूप में, चित्तेरे तिरुवोनम अप्रैल से मई तीसरी पूजा या उची कालम के प्रतीक के रूप में, आड़ी माँ उठी राम जून से जुलाई जिसे आणी तिरुमंजनाम भी कहते हैं, ये संध्या की या चौथी पूजा का प्रतीक है। अवनी की चतुर्दशी अगस्त से सितंबर पांचवी पूजा के प्रतीक के रूप में और पुरादासी माह की चतुर्दशी अक्टूबर से नवंबर अर्थजामा या छठवी पूजा का प्रतीक है। शिव के नटराज स्वरूप को नृत्य का स्वामी कहा जाता है, इस कारण भरतनाट्यम के कलाकारों के मन में भी इस मंदिर का खास स्थान है। मंदिर की बनावट इस तरह है कि इसके हर पत्थर और खंभे पर भरतनाट्यम की नृत्य की मुद्राएं अंकित हैं। मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ यहाँ पारंपरिक पुजारी करते हैं। हालांकि मंदिर का सारा प्रबंधन श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे और दान के रूप में दिए गए धन से होता है, ये मंदिर शिव क्षेत्रम के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान गोविंदराज की प्रतिमा स्थापित है जो शिव के बिल्कुल निकट स्थापित है। मंदिर में एक बहुत ही खूबसूरत तालाब और नृत्य परिसर भी है। यहाँ हर साल नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर से आए कलाकार हिस्सा लेते हैं। तमिलनाडु के मध्य पूर्व क्षेत्र में बसा ये छोटा सा स्थान अपने नटराज मंदिर के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। न केवल यहाँ का मंदिर शिव के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, बल्कि ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की मूल मुद्राएं पत्थरों में गढ़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी खूबी है यहाँ की आरती तथा उस वातावरण से उत्पन्न अलौकिक अनुभूति। संध्याकालीन आरती की बेला में मंत्र का गुंजन, शंख और विशालकाय घंटों के निनाद व आरती की दीप शिखाएं मन प्राणों में जो एक बार रच बस जाती हैं, तो बस आत्मा धन्य हो जाती है। ऐसा वातावरण और ऐसा अनुभव शायद ही अन्यत्र सुलभ हो। चिदंबरम के नटराज मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ के मूल मंदिर में आराध्य देव की कोई प्रतिमा नहीं है, वो निराकार है, साकार नहीं।
मार्ग से जाएं तो चिदंबरम चेन्नई तंजावुर मार्ग पर चेन्नई से 245 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन भी चिदंबरम नाम से ही है। सड़क मार्ग से चिदंबरम किसी भी वाहन से चेन्नई से 4 से 5 घंटों में पहुंचा जा सकता है। हवाई सेवा से चिदंबरम जाने के लिए चेन्नई नजदीकी एयरपोर्ट है। यहां से बस या ट्रेन के जरिए चिदंबरम पहुंचा जा सकता है। मंदिर का भवन शहर के मध्य में स्थित है और 40 एकड़ यानी 1,60,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। चिदंबरम का उल्लेख कई प्राचीन कृतियों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर ब्रह्मांड के कमल रूपी मध्य क्षेत्र में अवस्थित है। विराट हृदया पद्म स्थलम, वो स्थान जहां पर भगवान शिव ने अपने शाश्वत आनंद नृत्य अर्थात आनंद तांडव का प्रदर्शन किया था। यहां भगवान शिव अपनी नृत्य मुद्रा में विराजते हैं, इसलिए भगवान भी सभा नायकर के नाम से जाने जाते हैं, जिसका अर्थ होता है मंच के देवता। स्वर्ण छत्र युक्त मंच चिदंबरम मंदिर का पवित्र गर्भगृह है और यहाँ 3 स्वरूपों में देवता विराजते हैं। रूप भगवान नटराज के रूप में उपस्थित मानव रूपी देवता जिन्हें सकल तिरुमेनी कहा जाता है। अर्धरूप चंद्रमोलेश्वर के स्फटिक लिंग के रूप में अर्ध मानव रूपी देवता जिन्हें सकल निष्कला तिरुमेनी कहा जाता है। आकार रहित चिदंबरा रहस्यम में एक स्थान के रूप में पवित्र गर्भगृह के अंदर एक खाली स्थान जिसे निष्कला तिरुमेनी कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि मणिकाव्य सागर ने नटराज जी की प्रशंसा में 2 कृतियों की रचना की थी। पहली का नाम तिरुवसाकम अथवा पवित्र उच्चारण है, जिसके अधिकांश भाग का पाठ चिदंबरम में किया जाता है, और दूसरी है तिरुचित्रम्बला कुवैयर उर्फ तिरुकुवैयर, जिसका पूर्ण पाठ चिदंबरम में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मणिकाव्य सागर को चिदंबरम में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम 3 संतों की कृतियां मंदिर में ताड़ पत्रों पर पांडुलिपि के रूप में अंकित कर ली गई थी और चोल राजा अरुण मोहजी वर्मन द्वारा पुनः प्राप्त की गई थी। मंदिर में कुल 9 द्वार हैं, जिनमें से 4 पर ऊंचे पगोड़ा या गोपुरम बने हुए हैं। प्रत्येक गोपुरम में पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर की ओर 7 स्तर हैं। पूर्वी पगोड़ा में भारतीय नृत्य शैली भरतनाट्यम की संपूर्ण 108 मुद्राएं अंकित हैं। मंदिर में 5 सभाएं हैं। चित्त सभाई पवित्र गर्भगृह है जहां भगवान नटराज
और उनकी सहचरी देवी शिवाग्मा सुंदरी रहती हैं। कनक सबही, ये चित्त सबही के ठीक सामने है, जहां से दैनिक संस्कार संपादित किए जाते हैं। राजा सबही या 1000 स्तंभों वाला हॉल, जो 1000 खंभों से युक्त कमल या सहस्त्राम नामक यौगिक चक्र का प्रतीक है। इस चक्र को 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सहस्त्र चक्र पर ध्यान लगाने से परम सत्ता से मिलन की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, और ये यौगिक क्रियाओं का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है। देव सबही, जहां पंच मूर्तियां विराजमान हैं। इन पंच देवताओं के नाम हैं भगवान गणेश, विघ्नहर्ता, भगवान सोमास्कंद, एक रूप जिसे भगवान अपनी आभा और सहचरी के साथ बैठी हुई मुद्रा में हैं, भगवान की सहचरी शिवनंदा नायकी, भगवान मुरुगा और भगवान चंडीकेश्वरर, भगवान के भक्तों के प्रमुख। नृत्य सबही या नाट्य सबही, ये मंदिर ध्वजा के खंभे के दक्षिण की ओर है, जहां मान्यता के अनुसार भगवान ने देवी काली के साथ नृत्य किया था। सहस्रलोचना प्रभित्य शेषलेख शेखर प्रसून गोली धोरणी विदुसरंग्री पीठभू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय दाय तम चकोर बंधु शेखर। भगवान शिव की आनंद तांडव मुद्रा एक अत्यंत प्रसिद्ध मुद्रा है, जिसे संसार में अनेक लोगों ने, यहाँ तक कि अन्य धर्म को मानने वालों ने भी मान्यता दी है। ललाट चतर ज्वल धनंजय स्फुलिंग वानिपीत पंच सायकम नमन निलिंप नायकम सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालु मस्तुना। ये ब्रह्मांडीय नृत्य मुद्रा हमें ये बताती है कि एक भरतनाट्यम नृतक या नृत्यकी को किस प्रकार से नृत्य करना चाहिए। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजया हुतीकृता प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचक्र चित्र पत्र का प्रकल्पनेक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा। नटराज के पंजों के नीचे वाला राक्षस इस बात का प्रतीक है कि अज्ञानता उनके चरणों के नीचे है। उनके हाथ में उपस्थित अग्नि यानी नष्ट करने की शक्ति इस बात की प्रतीक है कि वो बुराई को नष्ट करने वाले हैं। उनका उठाया हुआ हाथ इस बात का प्रतीक है कि वे ही समस्त जीवों के उद्धारक हैं। उनके पीछे स्थित चक्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनके हाथ में सुशोभित डमरू जीवन की उत्पत्ति को दर्शाता है। ये सब वे प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें नटराज की मूर्ति और ब्रह्मांडीय नृत्य मुद्रा चित्रित करते हैं, और स्वतः ही हमारे मन को इस मंदिर की ओर आकर्षित करते हैं। सर्व मंगलाख लाख दंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ऋजम प्रणाम धूवतम मरांतकम पुरांतकम भवंतकम मकांतकम गजांत कांत कांत कम तमंत कांत कम भजे तन दिम दिम तन दिम दिम तन दिम दिम तन